देखिए सरकार के 100 दिन हो चुके हैं, अपनी अपनी आस्था होती है, अपने अपने विश्वास होते हैं, सबके अपने अपने प्रोस्पेक्ट होते हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ कि सरकार मेरे को ये दे दे, मैं इस बात से खुश हो जाऊँगा, तब मैं सरकार का समर्थन करूँगा, तो ये गलत बात है। राष्ट्र सर्वोपरि होता है और सबसे पहले उसे सोचने की बात होती है। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। मोदी सरकार के आज 100 दिन हो चुके हैं, उसी पे आज मॉर्निंग में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ये कहा कि जो 100 दिन हो चुके हैं उसमें कुछ भी अर्थव्यवस्था पूरी तहस नहस हो गई है और सरकार एकदम चुप्पी साधे बैठी है इस चीज़ पे। तो उन्होंने एक तरफ से ये कहा कि 100 दिनों में कुछ भी मोदी सरकार ने काम नहीं किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे 8% की अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए जहाँ 200 रुपये दाल बिकती हो, मुझे 5% नहीं 3% की चाहिए 80 रुपये दाल बिकती हो। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इतना ही समझ में आता है, मुझे नहीं GDP समझ में आती और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। GDP जिसे समझना है वो समझे, मुझे ये पता है कि मेरे हक में दाल मिल जाए, मेरे हक में सब्जी मिल जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है। उस अर्थशास्त्री का क्या करना, 8% नहीं 10% चला जाए, 200 रुपये दाल बिकती थी, मैं उसका क्या करूँगा? वो दाल मैं खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ? मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने भी हो मेरे पहुँच के अंदर मेरी सहूलियत की चीज़ें हो। आप सोच नहीं सकते हैं वो सरकार किस मुँह से बात करती है। आदमी जब जन्म लेता है सबसे पहले उसे खाना पीना और आवास, इसकी जो जरूरत पड़ती है। क्या सरकार इतने दिनों से थी, कांग्रेस की भी थी, गैर कांग्रेसी सरकारें भी थी, क्या हमें आवास सबको मिल गया है? क्या सबको साफ जल है पानी पीने के लिए? सबको खाने की ज़रूरतें पूरी होती हैं? नहीं होती हैं, तो फिर किस मुँह से बात करते हैं? एक दशकों तक उन्होंने राज्य किया है। अगर आपने बिल्कुल प्राइमरी जो चीज़ बिल्कुल नीचे की चीज़ ज़रूरत है, आदमी पैदा होने के साथ उसकी ज़रूरत है, वो नहीं पूरी हुई तो बाकी की चीज़ का क्या करना है? सबसे पहले वो चीज़ें चाहिए होंगी जो बिल्कुल ज़रूरी की चीज़ें हैं। सबसे पहले साफ पानी चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, बच्चे को पढ़ाई चाहिए होगी। और बच्चों की पढ़ाई में मैं सरकार, वर्तमान सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दो चीज़ें बिल्कुल फ्री कर दे, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों फ्री होनी चाहिए, एक भी रुपया नहीं लगना चाहिए किसी भी सूरत में। आप किसी बच्चे को कैसे सोच सकते हैं कि कोई बच्चा अपने किसी महंगे स्कूल में, कोई कितना भी बढ़िया बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसे पढ़ा सकता हूँ, उसे वो चीज़ें नहीं बना सकता हूँ। तो दो चीज़ें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, बाकी चीज़ों पे आप 10% टैक्स और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने तो शिक्षा और इन सब चीज़ों को छोड़ के उन्होंने तो ये कहा कि हम तो पानी और बिजली फ्री कर देंगे औरतों के लिए, DTC बस और मेट्रो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? औरतों के लिए DTC बस फ्री क्यों करना है? आप कहीं काम करती हैं, आप सैलरी पाती हैं ना, क्यों फ्री चाहती हैं आप बताइए। जिसको फ्री चाहिए वो रोज बसों में नहीं घूमती है, वो जो भी महिला है जो फ्री चाह जिसको चाहिए वो रोज DTC के बसों या मेट्रो में फ्री नहीं घूमती है, क्योंकि वो घर के काम करती है, वो करती है, या फिर वो बहुत नीचे तबके की है। आपको लगता है जो रेगुलर जाने वाली है, जो क्या औरतों की तनख्वाह 1,00,000 रुपये नहीं है, 2,00,000 रुपये नहीं है, 5,00,000 रुपये नहीं है, उन्हें क्यों फ्री चाहिए होगा भाई, आप बताइए। वो सारा काम भी तो केजरीवाल सरकार जो है उन औरतों के लिए, औरतों को सोचना चाहिए, उन औरतों को बेइज्जत करने का काम कर रही है। आप किसी को कम आत्र क्यों औरतों को भाई, आज औरतों को ऊपर उठाने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि सशक्तिकरण चाहिए, साथ में चलना चाहिए, आप कह रहे नहीं जी आप बैसाखी ले लो, आप चलने चाहते हो फिर भी बैसाखी ले लो, क्यों ले लो भाई? औरतें आज कितना टैक्स देती हैं, नहीं देती हैं टैक्स, सब कुछ करती है ना, तो फिर क्यों देना उन्हें बैसाखी, क्यों देना बैसाखी, आप बताइए। सर टैक्स है आपका जो आपके पैसों से ही वो औरतों के लिए DTC बस और मेट्रो फ्री कर रही है, इस पर आप क्या कहना? देखिए टैक्स का सदुपयोग करे सरकार, कि अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया था सर, उन्हें नसीहत दी, निर्णय नहीं कह सकता, एक नसीहत कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई इसके सोच समझ के कीजिए। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि औरतों को फ्री दिया जाए, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है दिल्ली वासियों के पास? आपको लगता है दिल्ली जहाँ हम राजधानी में रहते हैं, अगर मैं चेक करके बताऊँ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 30% करीब करीब 30% लोगों को साफ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। या तो लोग उनमें साफ पीने का पानी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी पीने से मतलब है, या तो लोग खरीद के पानी पीते हैं या लोगों के घरों में प्रॉपर पानी नहीं आता है, ये समस्या नहीं है। पहले ये दूर कर देना चाहना चाहिए कि फ्री में पहले बांटना चाहिए, पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि मूल समस्या क्या है, पहले उसकी उसका निदान हो। कल के डेट में यही फ्री वाले कल बुलेट ट्रेन पर रोने लगते हैं, अरे बाप रे इतना पैसा खर्चा हो रहा है, कुछ लोग चंद्रयान पर भी रो रहे थे, तो रोने वाले रोते रहेंगे, जिसको गलती काटना वो निकालेगा ही निकालेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। आप कितना भी साफ पानी दे देंगे वो कहेगा अरे इतना महंगा क्यों दे दिया, इतना साफ क्यों दे दिया।
सर, चंद्रयान से एक और चीज याद आई कि आज आप किस तरह से वैज्ञानिकों को उनको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज विक्रम लैंडर मिल चुका है और वो सिर्फ उस सतह पर चांद की पे पहुंच चुका है, बस 500 मीटर दूरी पे बस वो पड़ा है। क्या आपको लगता है अगर वो स्टैंड अप हो गया तो क्या उस पर किस तरह से कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा विज्ञान वैदिक काल से आगे रहा है, कोई आज नई चीज नहीं है। आज पहले भी वैदिक काल विज्ञान उस जमाने में भी कई तरह के उस जमाने में भी वेदों पुराणों में इस तरह की बातें होती थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसको प्रूफ कर पाना आज के जमाने में नहीं पॉसिबल है, या फिर लोग प्रूफ नहीं हो पाए इसलिए हम पता नहीं कर पाते। हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया है वो एक असाधारण है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम चंद्रयान पे जाएंगे, कैसे करेंगे। नासा ने उसकी तारीफ करी है, यहाँ तक यूए के स्पेस सेंटर ने भी तारीफ करी है। तो ऐसा नहीं है, सारे लोग देख रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये अलग बात है, कुछ लोगों को विरोध करना है तो सिर्फ विरोध करना है, कोई चीज़ बुरी निकालनी है तो निकालना है, वो उनकी मर्जी है कि मैंने विरोध किया है तो किया है। सर, मोदी सरकार के 100 दिन हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 100 दिन में बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है। NRC भी लागू हुआ, आसाम का सबसे बड़ा मुद्दा था घुसपैठियों के ऊपर 370 हटाना, ऐतिहासिक 35A ऐतिहासिक ये था, और बस 3 तलाक का बहुत ऐतिहासिक ये था। बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ मोदी सरकार में 100 दिनों में, और विपक्षी जो सारे मिल गए हैं, विपक्षी पार्टी तो ये कह रही है कुछ काम ही नहीं हुआ। विपक्षी ने इतना लूटा है, उन्होंने कितना लूटा है। आज चिदंबरम 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तिहाड़ जेल में पड़े हैं, 4 दिन से खाना नहीं। आज जेलर कह रहे हैं खाना खा लो, एक ठीक है। 4,82,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आपने 400 रेडिएशन होटल कहाँ से बनाए? INS, जो INS मीडिया, उसको आप कैसे बेचे, कैसे बेचे? आप पुख्ता सबूत है इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, जिन्होंने आप अपनी लड़की को कत्लेआम में जेल गए हैं। वो तो कहते हम दिए हैं रुपया कैश, बाय कैश दिए हम एंड टू एंड चिदंबरम को। पुख्ता सबूत है ईडी को, और तो ईडी तो अभी रिमांड में लेंगे, और हो सकता है उनका जेल और जाए लंबा बड़े। और मोदी सरकार को 100 दिन हो चुके हैं, विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि इन 100 दिनों में कुछ भी काम नहीं हुआ और अर्थव्यवस्था डाउन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हम उन पार्टियों को ये जवाब देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 70 दिन की सरकार, अगर हम कहें तो मोदी जी की 70 दिन की सरकार में इतने बड़ा काम हुआ है, जो 70 साल से जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने 100 दिन की सरकार में 370 हटा के किया। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने 370 की में हटा कर क्या दिया, मोदी जी ने उन 370 हटा कर कश्मीर में रहने वाले लोगों को उनका पढ़ने का अधिकार, जीने का अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट उनको दिए, और वहाँ से जो लोग अपना घर छोड़ के आतंकवाद की वजह से चले आए थे उनको पुनः विस्थापित करने की एक योजना तैयार करने का काम किया है मोदी जी ने। लोग कहते हैं कि 100 दिन में, मैं कहता हूं कि 100 दिन में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम कर दिया है उतना कांग्रेस व अन्य सरकारें आने वाले 70 साल में नहीं कर पाई हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए, जब पाकिस्तान की आपने 370 की बात की है तो 370 को अब 370 के मुद्दे को फिर से उठाने की बात कर रहा है UN में पाकिस्तान, जिनके अपने छत ढकने की औकात नहीं थी बंटवारे के समय, और जिनको मैंने खुद पैसे धक के उनकी छत ढकने के लिए दिए थे, वो हमसे PAOK क्या छीन पाएंगे और हमारा कश्मीर क्या छीन पाएंगे। और रहा 370, तो हमने एक अखंड भारत का सपना देखा था और मोदी जी की सरकार ने अखंड भारत के सपने को पूरा किया, हमारे कश्मीर जैसे स्वर्ग को मिलाया। अब हम बात कश्मीर की नहीं करेंगे, अब हम बात POK और गिलगित की करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं और वो भारत के साथ आना चाहते हैं। हम किसी पे अधिकार या किसी पे आक्रमण करके किसी को दबाव में लाकर उस देश को जीतना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ की जनता का सम्मान जरूर करना चाहते हैं। हम एक बार पुनः उस वह जो पाकिस्तान अधिगत कश्मीर से लोगों की आवाज़ उठती है, वहाँ की आर्मी, वहाँ के नेता वहाँ पे जाकर जो अत्याचार वहाँ की जनता पर करते हैं, खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनको उठाकर अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, और शायद ये मोदी सरकार उस आवाज़ को भी सुनने का काम कर रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब POK और गिलगित हमारे साथ होगा, हमारा भारत का अंग होगा। मोदी सरकार को 100 दिन हो चुके हैं सत्ता में आए हुए फिर से, और उस पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि 100 दिनों में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया, अर्थव्यवस्था वीक हो गई है और आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी है बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो एक जब सरकार, कोई नई सरकार आती है तो जो विपक्ष में होता है उसका काम होता है विरोध करना, ठीक है। आप उनकी अच्छी चीज़ों को गिनो ना, इंडिया को किस लेवल पे ला के रख दिया। मैं बीजेपी या किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे काम की प्रशंसा करता हूँ हमेशा। मोदी जी ने अपने देश को किस लेवल पे ला के दिया ये आप भी जानते हैं, ये हम जानते हैं, पूरा देश जानता है, ठीक है। मुश्किल डिसीजन लेना जो है इनसे सीखिए,
ये जो इनको पता है हमारी गवर्नमेंट जा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट जनता ने क्या किया, दोबारा इनको लेके आए हैं। ये नोटबंदी जो बोलते थे बहुत मुश्किल है, मतलब परेशान हो गए लोग, परेशान होते तो इतने ज़्यादा वोट कैसे आए इनके पास दोबारा से, ठीक है। GST लिया है, मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें, धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अगर आज GST है, देखो नोटबंदी GST 370 और 370 के बाद जो ये फैसला है चंद्रयान वाला, ये भी बड़ा फैसला है, और तीन तलाक वाला फैसला, ये इतने बड़े बड़े फैसले क्यों नहीं हो पाए पहले, क्योंकि विल नहीं थी उनकी विल होती तो ये हो सकता था, सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, खींचते चलो। लेकिन आज एक बंदा, मैं नहीं बोलता कि मोदी क्या है या अमित शाह क्या है, लेकिन वो अगर देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमें फ्री की आदत नहीं पालनी चाहिए, मैं केजरीवाल को जी को भी नहीं बोल रहा, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमें अपनी कमाई के साधन से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमें सब्सिडी दे दीजिए, आप सब्सिडी अवेल कर लेंगे, लेकिन फ्री की आदत डालेंगे तो और लोग हैं उसको आराम वाली आदत पड़ जाएगी, इनको कमाएंगे नहीं और फ्री के चक्कर में रहेंगे हमेशा। तो फ्री का लॉलीपॉप कोई किसी को ना दे, सब लोग राजनीति अच्छी करें, देश को आगे बढ़ाएं, जैसे बढ़ रहा है देश आगे, तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मोदी जो गलत काम कर रहा है उसको विरोध करो, सही काम की तो तारीफ करो ना, मैं बोला सही काम की तारीफ करो, सही काम ये इतने बड़े बड़े डिसीजन दे। अब छोटे इसमें एक रीज़न हो रहा है 371 का जो है LGBT वाला, वो भी हुआ है, और 370 अब हटाने के लिए 377 नॉर्थ ईस्ट से हटाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने बोला वो नहीं हटेगी, वो नहीं। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ इनको अभी मैं बोलना चाहता हूँ इनको और काम करने हैं आने वाले टाइम में। देखो जनता क्या है, जनता को पता है हमारा लॉस हो रहा है। देखो एक चीज़ आप समझना, कभी भी एक अच्छा टीचर वही होता है जो डांटता है, तो मोदी समझ लो डांट रहा है इस टाइम, बोल रहा है नहीं आप ऐसे करो, ऑफिस टाइम से आओ। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, तो हम पहले लेट आते थे, लेकिन अभी हम 9:30 तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमें पंच करना है वहाँ पे और अपना टाइमली काम खत्म करना है, 6 बजे निकलना है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, लोग टाइमली ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी पहले हमें दर्द हुआ यार मोदी ने क्या कर दिया, लेकिन अभी समझ में आता है कि मोदी जी ने जो किया सही किया, ये कि आपको रास्ते पे लाने के लिए कुछ ठोस कदम लेने चाहिए, तभी आप कुछ देश का भला कर पाओगे। मोदी सरकार के दूसरी बार सरकार सत्ता में आने के बाद 100 दिन हो चुके हैं, और विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि कुछ भी काम नहीं किया, इस पे ट्वीट किया है राहुल गांधी ने भी कहा, और प्रियंका वाड्रा ने भी ये कहा कि कुछ भी काम नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था डाउन हो रखी है और सरकार अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है, इस पे क्या कहना? देखिए ऐसा है कि पढ़ा लिखा कोई नेता इन बातों को कहे, जो भारतीय राजनीति का पंडित हो, भारतीय इतिहास का पंडित हो, समाजशास्त्र का पंडित हो, ये तो बोलने का इस तरह हो गया कि जैसे लोग बचकानी स्टेटमेंट दे देते हैं। इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति के मजबूत व्यक्ति प्रियंका और राहुल नहीं माने जा सकती। मुझे जो मोदी सरकार के 100 दिन हो चुके हैं उस पर क्या कहना है? 100 दिन में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम तो कहते हैं मोदी जी का हमारे यहाँ तो भारतीय दर्शन में अवतारवाद है, हम तो कहते हैं कि भारतीय इतिहास में अवतारवाद है मोदी का। इतना स्ट्राइक ले लेना, 5 साल के भीतर इतने काम कर डालना, और मंत्रियों का पसीना निकाल लिया वो काम कराते कराते, सारे मंत्री दौड़ रहे हैं, सोने नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ भारत में मंत्री माने बादशाह, इसके पहले तो हम लोगों ने देखा है ना, तो मंत्री माने बादशाह आराम से रहते थे, सुख सुविधाएँ बहुत थीं, तमाम गाड़ियाँ, तमाम परिवार के लोग गाड़ी लिए रहते थे, लड़के भी लेते थे, औरत भी लेती थी, सब खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक सेवक बना करके अपने नेताओं को छोड़ दिया कि तुम लोकतंत्र के सबसे बड़े देश के सेवक हो, मेरे साथ काम करना है तो मेरे साथ रहिए, नहीं काम करना है, अय्याशी करना है तो अपने घर में रहिए। ये तो उनका स्टेटमेंट है, वो तो हर मंत्री से पूछते हैं 100 दिन का, इसलिए 100 दिन के कार्ड में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इतने बड़े राष्ट्र में जब कोई निर्णय लिए जाएंगे, आप एक घर में जब कोई योजना बनाते हैं तो साल भर पहले से योजना बनाना शुरू करते हैं घर को चलाने के लिए। देश के भीतर जिसकी ज़रूरत है वो कायम हुआ है। राजदंड भयादेवो परलोप भयादपि पापः पापं न कुर्वते, हर व्यक्ति यहाँ पापी है। अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहता, दफ्तर का अभी बताए ना कि 9:30 बजे में पहुँचता हूँ। अनुशासन की ज़रूरत है, अब अनुशासन कायम हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। मैं UP से आया हूँ, प्राइमरी के अध्यापक बहुत बढ़िया पढ़ पढ़ करके अच्छे BSc MSc PhD सब आए, वो एक परंपरा से जी रहे थे, उनकी सोच बदली है, वो विद्यालय जाना शुरू किए हैं अपने ज्ञान को। मैं तो वैसे शिक्षा, मैं तो संस्कृत शिक्षा का हूँ, लेकिन काम वैसी शिक्षा में करता हूँ, वैसे शिक्षा सबसे कमज़ोर है वहाँ। मैं भी अध्यापकों को प्रेरित करता हूँ कि समय से जाइए, अपने ज्ञान को समेट करके विदा न हो जाइए,
जो आप ज्ञान और सच्चा अध्यापक वही है जो अपनी समस्त ज्ञान समष्टि के साथ सारे ज्ञान की समष्टि के साथ छात्र के भीतर प्रवेश कर जाता है वो अध्यापक है। सर मोदी सरकार को 100 दिन हो चुके हैं सत्ता में आए हुए और विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि कुछ भी अर्थव्यवस्था में कुछ भी सुधार नहीं आया, कामों में कुछ भी सुधार नहीं आया और सरकार आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी है। क्या आपको हंसी नहीं आती इस बात की? आप तो सारी जगह सर्वे करते हैं, सब पता करते हैं, आपको भी मालूम है क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। आपको तो तीसरा स्तंभ कहा जाता है ना, चौथा स्तंभ बोला जाता है, तो चौथे स्तंभ से तो कुछ छुपा ही नहीं रह सकता। क्या पर्दा कहाँ पर है, पर्दा कहाँ पर नहीं, ये भी सबको मालूम है। मोदी तो अभी सिर्फ 100 दिन के काम करा रहे हैं कि तो मनमोहन सिंह के 10 साल के काम नहीं गिनवा पाए थे ये लोग। मोदी के 10, मैं छोटे संक्षिप्त में बोलूँगा आपको, मोदी का देखो महिला तलाक का सबसे बड़ा, महिलाओं को निजात मिली है, सम्मान मिला है, कैसे कैसे उन पर अत्याचार होते थे। दूसरा, इन्होंने जो अभी चंद्रयान की वो करी है उसमें वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, उनको और बजट देने का कोशिश किया, ये करा आपका। तीसरा, ये जो इन्होंने NIR पे कदम उठाया है, NRS में कदम उठाया है, 370 और 35 पे उन्होंने कदम उठाया है, ये कोई आसान नहीं है, ये इतनी जल्द काम उठने वाले नहीं है, होने वाले थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग इसकी भर्त्सना करेंगे वो लोग कौन है। मैं फिर अभी आपके कह चुका हूँ कि ऐसे लोगों से, अफवाह से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को उठा के उन पर वो करके सर्वे करके कि इनकी औकात क्या है, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। बताइए, पाकिस्तान ने मसूद अजहर को अपनी जेलों में से निकाल दिया चोरी छुपे, और शुक्रवार को इमरान खान ने भी ये कहा था कि हम कश्मीरी मुद्दे को लेके हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं चाहते, पर उसे इस चीज़ पे करारा जवाब जरूर देंगे, तो इसमें क्या रणनीति है पाकिस्तान? देखिए, सीधी सी बात है, पाकिस्तान किस पे चल रहा है? इमरान खान पे नहीं चल रहा है, जो भी है उग्रवादियों के सरदार हैं जितने वहाँ पर, जो आर्मी के सरदार हैं वो लोग चला रहे हैं, वो तो एक मोहरा है, इमरान खान तो एक मोहरा है। जैसे वो लोग सब कहेंगे इमरान खान वैसे ही करेगा, नहीं तो उसकी सत्ता गई। पाकिस्तान में कितनी बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, कितने बार तख्ते पलटे गए, तो ये उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने उग्रवादी पाले हुए हैं, उग्रवादी संगठन है, वहाँ पर उग्रवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जो हर मुल्क के अंदर जाकर अशांति फैलाते हैं। पूरा देश इसको जान चुका है और उन पर बैन भी लगा चुका है। उन्होंने मजहूर अजहर था, मजहूर पर बैन लगा था, और उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि इसको हमारे हवाले कर दो, जो आपके यहाँ उग्रवादी हैं बड़े हमारे हवाले कर दो, हमें इनको अपने हिसाब से दंड देना है। तो इसने नहीं किया, वो कहता है मैंने तो जेल में बंद कर दिया है अमेरिका को खुश करने के लिए कि उससे कुछ धन की सहायता मिल सके, हमारे को कुछ राष्ट्र को खुश कर सके, पर वो तो झूठ बोल रहा था। उन्होंने तो बल्कि और उनको सिक्योरिटी दे रखा था, उनको और फैसिलिटी दे गई थी मजूर को। आज वो मजूर को क्यों लेके आए? इनके 10,000 से ऊपर उग्रवादी हमारे देश में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं विभिन्न विभिन्न जगह से, और इनको जो कमांडो हैं, अभी पीछे 5 कमांडो मारे गए इनके, बैठ के पांच कमांडो मारे गए, इन्होंने उनको लेने से मना कर दिया कि हमारे नहीं है ये, उनके जो उनका वो झंडा था पाकिस्तानी झंडा उन पर मिला, तो पता लगा ये बैठ कमांडो थे, उनको पारे उग्रवादियों को अंदर धकेलना चाहते। आज भी जैश ए मोहम्मद के कई उग्रवादी मारे गए हैं, आज भी ताज़ा खबर में आपके। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका काम है उग्रवादियों को आगे भेजना, अशांति फैलाना, और उससे क्या करना है इनको अपनी जो अपनी संपत्ति बटोरना विदेशों से, क्योंकि सबने नकार कर दिया, तो इनको इस चीज़ से ले कोई, पाकिस्तान की जनता तो हमारी से कोई दुश्मनी नहीं है, जनता से पाकिस्तान के जनता से हमारी जनता के रिलेशनशिप भी हैं आपस के, पर क्या है कि वो भी जानते हैं कि अब ये सरकार बनी है, हम इनके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बंदूक के नोक पर ये लोग हैं, बंदूक के ऊपर ही नोक पर ये उठा रहे हैं। चाइना इनका मददगार है, चाइना इनको हथियार देता है उग्रवादियों को, इस वजह से ये लोग उग्रवादियों को आगे कर रहे हैं, सेना पीछे है इनके। तो पहले जो उग्रवादियों पे आक्रमण होगा ना, सेना बाद में होगी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो अजहर पे उछला रहा है, अपने कुछ चंद उग्रवादियों पे उछल रहा है, थोड़े टाइम पे आके रणनीति ऐसे बननी है कि ये उग्रवादियों का जो उनके बादशाह है ना लादेन का, तो क्या हुआ था उनसे भी बुरा हाल होगा, इनको पता नहीं चलेगा। सर, अब जब एक तो आतंकवादियों का साथ देना, दूसरी तरफ कश्मीर के मुद्दे को शांति नहीं होने देना, जब हिंदुस्तान ने कह दी कि अब की बार बात नहीं होगी कश्मीर पे, फिर भी वो ये कहता है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर अभी शांत नहीं बैठूंगा और इसे मैं UN में, और कल अब जब UN की मीटिंग है आज से शुरू हो चुकी है, 21 तारीख तक चलेंगी, तो कल वो शायद कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कश्मीर का मुद्दा इसने कहाँ कहाँ नहीं उठाया आपके सामने, हर जगह से तो मूंगी खा चुका है, तो अभी उल्टी मार पड़ चुकी है इसको। अभी आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ, अभी ईरान में इन्होंने हिंदुस्तान के विरोधी पोस्टर लगाए थे, उन्होंने झपाटा लगा दिया इसके, भाई हमारे यहाँ भारत हमारा मित्र है, हम उसके विरोधी पोस्टर नहीं हमें चाहिए। तो आप बताइए क्या चाहिए इसको, कहाँ कहाँ इसमें मुँह की खानी है? पर एक कहते हैं ना, इसने किसी बहाने से यहाँ शांति फैलानी है कश्मीर वालों को, जो आपका इनका POK में तो लोग संभल नहीं रहे इनसे, POK को इन्होंने कब्जा कर रखा है, POK में कितने लोग वहाँ पर मारे गए, आज उसके खिलाफ खड़े थे, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए थे वो लोग। मैं कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया देख रही है इस चीज़ को, पर क्या ये मुट्ठी भर के कुछ लोग हैं? पर हमको थोड़ा अफसोस होता है, अपने देश की धरती पे भी जो सच्चाई से आंखें मूंद लेते हैं, जिस
विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के गठजोड़ के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केस चल रहा है, एक एक करके केस आ रहा है। अभी पी चिदंबरम सबसे बड़ा वकील, कितने हायर वकील लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े वकील थे, एक गरीब आदमी तो उनके जाके फीस भी नहीं दे सकता लड़ने के। आज उनके बचाव में इतने लोग थे, आखिर रिजल्ट क्या आया? एविडेंस के ऊपर ही उनको गिरफ्तार किया ना। पर मैं कहता हूँ कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं और अपने देश की तरक्की के खुश नहीं है, जैसे विपक्ष खुश नहीं है। वो क्यों उनको श्रेय लेना नहीं देना चाहता, विरोधी करता रहेगा। और कुछ ऐसे ही उनके जो कुछ लोग हैं, उनके समर्थन के लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं कि सच्चाई को हम ना आगे रखें, अच्छाई हम किसी ना सेना की अच्छाई के लिए बोलें, ना हम वैज्ञानिक के ऊपर अच्छा बोलें कि वैज्ञानिक ने आज तक हमारे देश का नाम ऊंचा किया है वर्ल्ड में, सारा वर्ल्ड सराहना कर रहा है कि हम दूसरे तल तक पहुँचे। ठीक है, किसी मानसिक गड़बड़ी से कुछ हो गया है, पर वो ठीक हो सकता है, ठीक हो के आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अशांति फैलाते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ ऐसे लोगों को चुन चुन के अंदर करे, जो देश को गुमराह करते लोग हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े हों, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जो उनके साथ देते हैं उनको भी अंदर करे। अब तो कानून बन चुका है इसका, अब कोई डरने की बात नहीं, अब कानून बन चुका है। आप उनको सर्वे करके ऐसे लोगों को अंदर डालें जैसे उनको पता लग जाए कि अफवाह ना करें।